जब से दुनिया बनी है, इंसान तारों को देखता आया है, सोचता आया है कि आखिर वहां क्या है। आज चलो एक सफर पर चलते हैं, एक दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। हम इंसान अंतरिक्ष में आखिर कितनी दूर तक जा सकते हैं? भविष्य की बात करने से पहले देखते हैं कि हमने अब तक क्या हासिल किया है। इंसान चांद पर कदम रख चुका है, एक अविश्वसनीय उपलब्धि जो नासा के अपोलो मिशन्स ने 1960 और 70 के दशक में हासिल की थी। हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है जो धरती का चक्कर लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर लगाता है, जहां अंतरिक्ष यात्री महीनों तक रहते हैं और काम करते हैं। और स्पेस एक्स जैसी निजी कंपनियां लो अर्थ ऑर्बिट से आगे मानव यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। लेकिन यहां एक पेंच है, हमने अब तक जो कुछ भी किया है वह विशाल ब्रह्मांडीय मैराथन में पहला कदम भर है। मंगल ग्रह हमारा अगला पड़ाव है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है जहां जीवन संभव हो सकता है। लेकिन मंगल ग्रह की यात्रा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह औसतन 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। एक तरफ की यात्रा में लगभग 7 महीने लगेंगे। चुनौतियां, रेडिएशन, अकेलापन और 2 साल के मिशन के लिए पर्याप्त सामान ले जाना। लेकिन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम और स्पेस एक्स के स्टारशिप के साथ हम अगले 2 दशकों में मंगल ग्रह पर इंसानों को देख सकते हैं। फिर भी मंगल अभी भी हमारे ब्रह्मांडीय आंगन में है। इसके पार क्या है? हम वास्तव में कितनी दूर जा सकते हैं? अगर हम बड़ा सपना देखें तो अगला पड़ाव है इंटरस्टेलर ट्रैवल, दूसरे तारों की यात्रा। सबसे नजदीकी तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। यह लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। हमारा अब तक का सबसे तेज अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब 4,30,000 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से यात्रा करता है। लेकिन उस गति से भी अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 17,000 साल से ज्यादा समय लगेगा। जाहिर है हमें कुछ और तेज चाहिए होगा। वॉर्प ड्राइव्स या न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित अंतरिक्ष यान जैसे कॉन्सेप्ट्स पर विचार किया जा रहा है, लेकिन वे अभी भी सिर्फ थियोरेटिकल हैं। और फिर सवाल है, क्या हमें इंसानों को भेजना चाहिए या AI और रोबोटिक्स पर भरोसा करना चाहिए कि वे हमारे कॉस्मिक पायोनियर्स बने? यहां सबसे हैरान करने वाली बात है, ब्रह्मांड खुद फैल रहा है। कुछ आकाश गंगाएं प्रकाश की गति से भी तेज गति से हमसे दूर जा रही हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हैं। भविष्य की तकनीक से भी ब्रह्मांड के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हम कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सपना मर जाता है। हर छोटा कदम जो हम उठाते हैं वह ब्रह्मांड में मानवता के पद चिन्ह का विस्तार करता है। अंतरिक्ष की यात्रा केवल दूर के तारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम कौन हैं और हम क्या करने में सक्षम हैं। असली सवाल यह नहीं हो सकता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी दूर तक सपने देखने को तैयार हैं। अंतरिक्ष विशाल, रहस्यमय और विस्मयकारी है। हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब वहां बाहर हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो हम अंतरिक्ष में कितनी दूर तक यात्रा कर सकते हैं, इसका जवाब हम पर निर्भर करता है, हमारी तकनीक पर, हमारी कल्पना पर और यह तय करने पर कि हम कितने दृढ़ निश्चयी हैं यह पता लगाने में। अगर आपको ब्रह्मांड की यह यात्रा पसंद आई तो विज्ञान, तकनीक और उससे आगे की और भी मनोरंजक खोजों के लिए गायन सी रियलिटी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक तारों तक पहुंचते रहें।